हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रांची का व्लॉग। तो रांची में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हम रांची पहुँच गए थे सुबह एंड घर पहुँचे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, चाय कॉफ़ी वगैरह की एंड उसके बाद अभी हम आ गए हैं हुनरू वाटरफॉल में। तो यहाँ एंट्री टिकट लगती है। तो ये जो वाटरफॉल है ये सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक ही ओपन रहता है, तो उसी बीच में अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड टिकट जो है वो अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो 30 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है एंड अगर बच्चे जो है वो 5 ईयर्स के अबव जो भी होते हैं उनकी 10 रुपये की टिकट लगती है। तो यहाँ पर हम जो वाटरफॉल है तो ये उसके नीचे की सीढ़ियाँ हैं जाने की, तो यहाँ हमने अपनी उतरना शुरू किया है। तो मैं आपको बता दूँ अगर आपको यहाँ वाटरफॉल में जाना है तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको कवर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। उतरने में तो उतनी दिक्कत नहीं होती है बट चढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है या अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ जाना, बिकॉज बहुत नीचे जाना पड़ता है एंड ऊपर चढ़ते वक्त तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जगह अगर वहाँ पर आप पहुँचते हैं तो वर्थ है जाना, बहुत सुंदर है प्लेस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये वाटरफॉल। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ खाने पीने की भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी एंड फोटोग्राफी वगैरह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, बट मैं नीचे यहाँ पर नहीं गई बिकॉज यहाँ के जो पत्थर वगैरह है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे एंड उसको क्रॉस करके नीचे जाना पड़ रहा था तो वो पॉसिबल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था वो नीचे जाना, इसीलिए पैर भी स्लिप करने का काफ़ी डर था। तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे तो इसीलिए हमने नीचे जाना अवॉइड किया, हम ऊपर से ही यहाँ पर वाटरफॉल का इंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल को। तो यहाँ पर हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह कुछ करवाई एंड उसके बाद में 5-10 मिनट हम यहाँ पर रुके। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं भीड़ थी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, आप जा सकते हैं, वर्थ है जाना। जैसे कि आप देख सकते हैं जनवरी का मंथ था तो इतनी ज़्यादा वाटरफॉल में आप पानी यहाँ पर फिर भी दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये वाटरफॉल। तो थोड़ी देर रुकने के बाद में फिर हमने यहाँ से हम सोचे कि अब दूसरा जो स्पॉट है वो कवर कर लेते हैं। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ा हम थक गए थे तो बीच में हमने ये स्प्राउटेड चने जो है तो वो लिए, वो इंजॉय किए। तो अभी हम पहुँच गए हैं राजरप्पा टेम्पल, तो अभी जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हम राजरप्पा टेम्पल में अंदर जाने से पहले हमने ये पूजा की थाली ले ली थी जिसमें चुनरी वगैरह फूल ये सब सारी चीज़ें थी। तो ये रास्ता है जो अंदर की तरफ जाता है, तो इस तरीके से हम अंदर जा रहे थे। तो हमें गाइड करने के लिए वहाँ पर एक आदमी था जो हमें गाइड कर रहा था तो रास्ता किस तरीके से हम अंदर जा सकते हैं। तो ये पूरा मंदिर की एरिया है। काफ़ी मान्यता है यहाँ इस टेंपल की भी, तो इसीलिए आप ये वाला स्पॉट भी कवर ज़रूर से करें, यहाँ पर ज़रूर से जाएं, बिकॉज कहा जाता है कि जो भी मन्नत आप मांगते हैं तो ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ मंदिर के बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, तो मंदिर के अंदर का तो वीडियो मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बस अब निकलेंगे यहाँ से। तो मंदिर के वहीं पर रेस्टोरेंट था तो यहाँ पर हमने ये चाय ली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाय थी, तो ये चाय वगैरह पिए, शाम हो चुकी थी। तो मंदिर से निकलने के बाद में वहाँ पर हमने चाय पी थी एंड सुबह से ब्रेकफास्ट प्रॉपर जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सुबह एयरपोर्ट पे डोसा वगैरह खाया था एंड उसके बाद कुछ खाया नहीं। तो अभी आए हैं हम यहाँ स्वर्ण रेखा होटल है यहाँ पर, तो वहाँ आए हैं तो कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे। शाम हो चुकी है, ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, तो जस्ट मैं यहाँ का ओवरव्यू देती हूँ आपको। तो बस यहाँ पर हमने अपना जो स्नैक्स वगैरह लेना था तो वो हमने खाया एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।